गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कहाँ से व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो हम लोग आ गए थे गांव में और सैटरडे संडे था ना, तो इस वजह से हम लोग गांव में आ गए थे। मैंने कहा मेरा भी मन थोड़ा ठीक हो जाएगा क्योंकि घर में रहते हैं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो मैंने कहा चलो गांव में घूमने चलते हैं तो फैमिली से मिलेंगे तो मन अच्छा हो जाता है। और सैटरडे संडे का ऑफ भी था हस्बैंड का और मंडे का इन्होंने ले लिया था। तो अभी आज मैं आपको गांव का होम टूर कराने वाली हूँ। अभी मैं एक ही घर का कराऊंगी जिसमें अभी हम रहते हैं, मेरी जेठानी और हम, तो अभी मैं उसी का कराऊंगी। तो ये अभी मैं छत पे थी तो छत पे हमारे बनी हुई है एक किचन, और ये किचन मैंने इस तरीके से अभी कर रखी है। मैंने अपना भी थोड़ा सा सामान इसमें रखा हुआ है और वैसे तो खाना वगैरह सब एक जगह ही बनता है, बट किचन हमने अलग अलग की हुई है कि कभी भी कुछ दिक्कतें आ जाए, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स ऐसी होते हैं, कभी कभार हो जाती हैं चीज़ें, बट जब हम जाते हैं तो खाना इकट्ठा ही बनता है चाहे ऊपर बने या नीचे। तो और ये है वहाँ पर बड़ा सा एक रूम जिसको मैं ही यूज़ करती हूँ जाके, और वैसे इसमें पापा रहते हैं और जब हम चले जाते हैं हम यूज़ करते हैं तब तक। तो यहाँ पर इसमें एक अलमीरा बनी हुई है इस तरीके से, और यहाँ पर सारे ये जो कपड़े देख रहे हैं ना ये पापा के हैं सामने जो टंगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा रूम है, मतलब कि इसमें सारा सामान आ सकता है और एक फैमिली आराम से रह सकती है, इस तरीके से ये बनाया हुआ है। तो ऊपर का पोर्शन जो है मैं ही यूज करती हूँ अपना जब भी जाती हूँ, क्योंकि मेरा तो सारा सामान दिल्ली है, तो मैं वहाँ पर जब भी जाती हूँ तो वहीं ऊपर का पोर्शन यूज करती हूँ। तो उसके बाद चलते हैं हम नीचे, और यहाँ पर बैठे हुए थे हस्बैंड धूप सेक रहे थे। धूप आज थोड़ी थोड़ी सी निकली थी क्योंकि गांव में तो और भी ज़्यादा ठंड होती है, और ठंड तो अब ऑलमोस्ट जा ही रही है बट बीच बीच में मौसम थोड़ा बिगड़ जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ जीने से नीचे, और ये जीने के बिल्कुल बगल में इतना सुंदर सा पौधा पेड़ लगा हुआ है, मतलब पेड़ ही बन गया अब तो ये। उसके बाद ये सामने का पोर्शन आ जाता है जहाँ पर हमारे गाय भैंस रहते हैं। इसको जो सामने जिसमें गाय भैंस घास खाती है ना उसको बोलते हैं खोर। तो इसमें पूरा वो खाना अपना जो उनका खाना होता है वो खाते हैं, और ये सामने उन्हीं का पोर्शन है, उसी में वो रात को रहते हैं अंदर। और इसके ऊपर पूरा टीन डाली हुई है, और इधर जो है ये स्टोर रूम बनाया हुआ है। इसमें सारे वैसा जो स्टोर रूम में सामान भरा जाता है, मतलब जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो यहाँ पर रहता है। यहाँ पर बाइक वगैरह भी खड़ी हुई है, और यहाँ पर देखिए उफले वगैरह भी काफ़ी सारे इकट्ठे कर रखे हैं मेरी जेठानी ने। तो जो स्टोर मतलब जो एक्स्ट्रा सामान है ना वो यहीं पर रहता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है, बहुत खाली जगह रहती है, तो इसमें स्टोर रूम बना दिया है, और इसके साइड पे ही गाय भैंस का है रहने का। तो अब आ जाता है पूरा ये आंगन जो है हमारा, ये पूरा आंगन है। देखिए यहाँ पर हस्बैंड दिख रहे होंगे, सामने वो गुड़िया है, और यहाँ पर हमारे दिन में गाय भैंस रहते हैं, रात को अंदर कर देता है जो मैंने अभी दिखाया आप। तो ये है हमारा बछड़ा, और इस साइड कोने में हमारा सबसे पुराना जो है टॉयलेट, जब खेतों में जाया करते थे ना ये तब का बना हुआ है, सबसे पुराना जब कहीं भी नहीं था। तो अब तो ये यूज ही नहीं होता क्योंकि घर में अलग भी बना चुके हैं अलग से। उसके बाद ये पोर्शन आ जाता है इधर, यहाँ पर है होदी। होदी का मतलब होता है इसमें पानी इकट्ठा होता है, और गाय भैंस के पीने के लिए नहाने के लिए उसमें इकट्ठा हो जाता है, तो इसको ना भर देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना लाइट भी नहीं आती है तो इसमें भरा रहता है, तो गाय भैंस को यहाँ पर ला ला के ना पानी वानी पिला देते हैं। तो ये इस पर्पज से बनाया हुआ है। फिर उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि अब आप वीडियो बनाओ और मैं सामने से दिखाती रहूंगी कहाँ पर क्या है। तो बस ये वाला पोर्शन तो मैंने आपको पूरा दिखाई दिया है, गाय भैंस वाला, और जो आंगन है हमारा पूरा, तो ये है गुड़िया, और यहाँ पर मैं ये चारपाई दिखा रही थी बिस्तर, क्योंकि यहाँ पर ना कोई भी आके लेट जाता, मतलब जैसे पापा वगैरह धूप में बैठे रहते हैं ना, तो आजकल ठंड है तो वो अपना बिस्तर ऐसे ही रखते हैं। उसके बाद अभी काम चल ही रहा था, बिस्तर वगैरह तो उठ जाता है बट अभी काम चल रहा था तो इस वजह से पड़ा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर है ये नयार काटने के लिए, मतलब गाय भैंसों का जो खाना होता है उसको, मतलब पहले खेत से आता है फिर उसको यहाँ पे काटा जाता है, इससे गंडासा इसको बोलते हैं। आप लोग भी बताना आपके भाषा में क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पर तो गांव में इसको गंडासा ही बोलते हैं। तो उससे गाय भैंस का वो कटता है। अब मैं आ जाती हूँ इधर, पहले इधर वाला ही दिखाऊंगी पूरा पोर्शन। तो ये वाला फिर से ये एक गैलरी आ गई है, मतलब बरांडा गैलरी आप कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक एलसीडी लगाई हुई है इस साइड, और यहाँ पर सिस्टम रखा हुआ था, डांस करने वाला तो मैं इसलिए नाचने लग गई थी। ये है जो मेरी जेठानी जी की शॉप है ना, उसका फ्रिज है, ये अंदर ही रखा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर ये मेन गेट के बाहर जो गैलरी आती है वो है, तो इसका यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है,
तो मैं आपको एक बार बैठ के भी दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा मन हो गया कि वीडियो बनी रही है तो एक बार इस पे बैठ भी जाती हूँ। तो हस्बैंड कह रहे आराम से बैठना, गिर मत जाना। मैं थोड़ी देर बैठ के जल्दी से उतर भी गई, क्योंकि मुझे आपको पूरा टूर कराना है घर का। तो बस अभी मैं उतरी और एकदम से मैंने छलांग लगाई ना, थोड़ा सा ये लगा क्योंकि अभी मेरे अंदर वीकनेस है थोड़ी सी। तो मैं देख रही थी कैसे उतरना है, तो कितनी देर बाद मैंने इस तरीके से मैं उतरी हूँ और फिर से चलते हैं होम टूर कराने। तो अब आते हैं इधर वाले पोर्शन पे, ये उसी बरांडे का पोर्शन है। तो यहाँ पर एक बाइक और एक स्कूटी और है, क्योंकि हम बहुत अमीर हैं, अमीर घराने से हैं, हमारे पास चार्जर, बाइक, एक गाड़ी, ये सब है। मैं तो मजाक कर रही हूँ गाइस। तो ये गुड़िया की थी स्कूटी। और उसके बाद हम आ जाते हैं बैठक में। तो ये है बैठक, यहाँ पर सबके फोटो वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पर एक बेड रखा हुआ है। तो जब हम टाइम स्पेंड करते हैं तो हम यहीं पर बैठते हैं। तो ये हो गई बैठक। उसके बाद चलते हैं जो पोर्शन अंदर है ना, जहाँ पर हमारा खाना पीना बनता है, नीचे सब लोग खाना पीना बैठ के इकट्ठे खाते हैं। अब चलते हैं वहां पर। तो ये है गेट, क्योंकि ये दीवार पहले हमने करा दी थी, उसके बाद हमने ये गेट इसमें कराया था। तो ये पोर्शन ना अलग हो जाता है, क्योंकि हुक्का वगैरह पीने के लिए बड़े बड़े, मतलब जैसे लोग आते हैं ताऊ चाचा, तो वहां पर बैठते हैं, तो वहां पर हमारा रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने ये पोर्शन ना अलग ही कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर है चूल्हा, इधर हारे जिसमें दूध वगैरह गर्म होता है, इधर मेरी जेठानी ने पौधे वगैरह लगा रखे हैं, गुलाब, कनेर, ये सब। और ये पोर्शन है बाथरूम, टॉयलेट, ये सब वहां पर कपड़े वगैरह धुलते हैं और पानी वगैरह का सब सिस्टम उधर ही है। उसके बाद आ जाते हैं अंदर थोड़ा सा, तो यहाँ पर है किचन, और किचन हमारी बहुत बढ़िया है, इसमें दो तीन चारपाई बिछा के सो सकते हैं, इतनी बड़ी किचन है ये। तो इसमें पूरा ये बर्तनों से भरी पड़ी है, सामान से भरी पड़ी है, इसी में फ्रिज भी रखा हुआ है। तो काफी बड़ी हमारी नीचे वाली किचन है। तो मैंने हस्बैंड को कहा पूरे तरीके से दिखाना किचन, और गांव में तो इतने बड़े बड़े कमरे और किचन वगैरह होती है, क्योंकि वहां पर जगह बहुत ज्यादा होती है ना, इस वजह से। तो ये किचन है। उसके बाद आ जाता है ये बाहर का पोर्शन। तो एक गैलरी यहाँ पर है साइड में, और एक मेन गेट यहाँ पर भी लगा हुआ है। और ये जो कमरा है ना, इसमें भूसा जो होता है ना वो भरा जाता है। तो ये पूरा जैसे गाय भैंस के लिए चारा वगैरह होता है ना भूसा, तो इसमें पूरे में वो भरा हुआ है, देखिए ये एक कमरा ऐसा है। उसके बाद आ जाता है इसमें गैलरी में, और यहाँ पर भी एक कमरा है, मेरी जिठानी का कमरा है ये। तो इसमें उनका सामान रखा हुआ है, संदूक वगैरह, काफी उनकी जो अलमीरा वगैरह वो सब इसी में रखा हुआ है, उनका जो भी सामान है। उसके बाद ये गैलरी है, और यहाँ पर हमारा जो डाइनिंग टेबल, मतलब चेयर और टेबल यहाँ पर रखी हुई है। मैं यही बोल रही थी कि ये हमारा डाइनिंग टेबल, कोने में एक टेबल रखी हुई पे हुई है जिसपे एक्स्ट्रा थोड़ा सा सामान। और अब ये गैलरी जो है ना, इसमें हम बाहर ही बैठ के खाना बनाते हैं, क्योंकि हमने गैस वगैरह ना किचन से बाहर ही रखी हुई है, तो वहां पर खाना बनता है। उसके बाद ये बाहर थोड़ा सा आंगन, इसके अंदर तो हमारा जो है ना, ये हम अलग ही यहाँ पर खाना पीना बनाते हैं। तो हम जैसे बड़े लोग आते हैं तो हम उनके सामने नहीं जाते, तो इस वजह से वो थोड़ा सा अंदर का है पोर्शन। उसके बाद ये एक मेन गेट है, जो बड़ा हमारा मेन गेट है वो यहाँ है, ये हमेशा यहीं से आना जाना होता है अंदर, और खुला रहता है ये। तो ये इसका जो मैंने पूरा आपको होम टूर कराया अपना, ये इसका मेन गेट है, और ये गली। तो मैं यहाँ पर दिखा रही थी पूरा कि यहाँ से इसका मेन एंट्रेंस है। हमारी अगल बगल में हमारे ताऊ चाचाओं के ही घर है, क्योंकि मेरे ससुर जी और 8 भाई हैं, तो सामने भी ताऊ जी का ही घर है ये। उन्होंने अभी नया बनाया, जिसके यहाँ भी शादी में आए थे ना हम दिसंबर में, तो वो उनका घर है। अगली बार ना सबके दिखाऊंगी, अभी तो मैंने अपना ही होम टूर कराया है। और ये है रीना, हमारी भतीज बहू, मतलब भतीजे की बहू। तो वो मुझे बुला रही थी, हम लोग कुछ बात कर रहे थे, तो मैंने कहा मेरा दुपट्टा नहीं है, तो वो दुपट्टा लेके आ रही थी, क्योंकि गली में ना कोई भी निकल आता है। तो मैंने दुपट्टा नहीं लिया था ना, घर में तो कोई था नहीं, सब खेत में गए हुए थे, तो इस वजह से फिर वो मेरे लिए दुपट्टा लेके आई। फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत बात करने लगे, फिर मैंने जो है कैमरा हस्बैंड को दे दिया। मैंने कहा अब आप दिखा दो, मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो ये था आज का हमारा गांव का होम टूर, मैं हमेशा से कहती थी बट आज मैंने आपको दिखा दिया। और फिर रात का हमारा डिनर, दीदी ने तीन तीन सब्जी बना रखी थी। ये उस दिन का है जिस दिन हम गए थे ना शाम को, ये उस दिन का है। ये क्लिप मैंने अभी डाल दिया आप लोगों के लिए, तो मैंने छोटी सी क्लिप लगाई थी कि मैंने कहा दिखा देती हूँ। और गाँव में ये खाना जो होता है ना,
बहुत टेस्टी लगता है मक्खन के साथ। और यहाँ पर मेरी जेठानी बना रही थी खाना और सबने खा लिया था, मतलब पापा ने, मेरे जेठ जी ने, मेरे हस्बैंड ने, सबको हमने दे दिया था। बस मैं और गुड़िया अब अपना लगा के बैठे थे। तो ये था गाइज आज का हमारा व्लॉग। आई होप आप लोग को आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।